Hello friend, and welcome back of today's GK class. Student, today we are going to discuss a unit 4, okay? And the name of this chapter is The World We Live In, okay? And remember that this is the second part of this chapter. We already discussed from page number 231 in previous classes, and from today we are going to discuss from page number 32, okay? And solve all the exercise or all the related topic or discuss all the topic related to this points, okay? So one by one we discuss all the topic. Now we start the topic. So the first topic of this class is country and religious, okay? So we know that there are more than 300 country in world, and all the country have different people, and as we know, every people have their own religions. In India, there are mainly four religions. First is Hindu, Muslim, Sikh, Isai. There are also more religions like Punjabi, like Farsi, okay? Like, so every different peoples have different religions, and in the world there are too many peoples have same religious but they have different countries, okay? So Christians in this point, Christians is the most whispered religious in the world. Different people believe in different religious. So we have some examples. Here are the examples that in country Australia, the Christians are there. In Bangladesh, the Islam, the follower of Islam has there, and they follow the rules, okay? In Brazil, the Christians are there. In Canada, Christians are there. In China, Buddhism are there. So why these religious? So here religious means they follow their rules, okay? Har ek dharm apni dharm alag alag hoti hai, unki apni vichardhara hoti hai, aur jo log us dharm ko mante hain wo use hi follow karte hain. Lekin sare dharm ka kuch aisi points hain jo common hoti hai, jaise hamesha satya bolna chahiye, कभी नफरत नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, गलत कामों का नतीजा गलत होता है. तो इसी तरीके के और भी कई, मतलब उनके गुरु के द्वारा बताए गए नियमों को वो पूरी श्रद्धा के साथ में पालन करते हैं, ओके? और यहाँ पे एक इंडिया ही एक ऐसा देश है जहाँ हिंदुज्म होता है, और नेपाल, ओके? जहाँ हिंदू, नेपाल एक ऐसा कंट्री है जहाँ पूरी तरीके से हिंदूज लोग रहते हैं, और ये इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ हिंदुज्म की संख्या, जनसंख्या ज़्यादा है, ओके? तो ये रहे कंट्री एंड रिलीजियस, ओके? नाउ the next topic, that is what? Topper of the world. Topper of the world means what? The highest and the deepest, मतलब जो अपने में सबसे अधिक हो या सबसे कम हो, ठीक है? जिसे लोग याद रखें, और ये कहाँ? पूरे वर्ल्ड का, ओके? जैसे एग्जांपल एक लेते हैं, क्या कि सबसे चौड़ी नदी कौन सी है वर्ल्ड में?
तो नील नदी एक ऐसी है जो सबसे चौड़ी नदी कहलाती है वर्ल्ड की, ठीक है। वो सबसे लंबी भी नदी और चौड़ी नदी दोनों है वो, ओके। सो इसी तरीके से हम एक डिस्कस करते हैं। सो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कुछ क्वेश्चंस, उसे डिस्कस करते हैं। पहला दिया हुआ है द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन इंडिया इन एरिया, ओके। एरिया वाइज में सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट क्या होता है? अब सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये कॉन्टिनेंट होता क्या है। तो कॉन्टिनेंट मतलब एक पीस ऑफ लैंड, जिस एक लैंड मतलब जमीन जिसके चारों साइड पे क्या है, पानी पानी है। और नहीं, वो एक लैंड होता है जो पीस ऑफ लैंड कहलाता है, ओके। तो एशिया ये ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ जो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा क्या है, कॉन्टिनेंट है, ओके। नेक्स्ट द डीपेस्ट एंड द लार्जेस्ट ओशियन, सो द आंसर इज पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन इज द डीपेस्ट एंड द लार्जेस्ट ओशियन इन वर्ल्ड, ओके। द नेक्स्ट इज द बिगेस्ट डेजर्ट, सो सहारा डेजर्ट इज द बिगेस्ट डेजर्ट इन वर्ल्ड, ओके। अच्छा, इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट का नाम क्या है? तो थार, जो राजस्थान में है। थार डेजर्ट जो इंडिया का सबसे बड़ा है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट है, ओके। द हाईएस्ट वाटरफॉल इन वर्ल्ड, ओके। द हाईएस्ट वाटरफॉल इन वर्ल्ड इज सांटो एंजेलिन वेंसिलोना। ये एक क्या है, वाटरफॉल है जो वेंसिलोना में मौजूद है, ओके। नेक्स्ट है द हाईएस्ट माउंटेन पीक, तो द हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या है, मतलब हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है वर्ल्ड में? तो माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट क्या है, माउंटेन पीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है द लार्जेस्ट डेल्टा, तो लार्जेस्ट डेल्टा क्या है आपका, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, ये दो नदी मिलकर क्या बनाती है, सबसे लार्जेस्ट डेल्टा। और ये कहाँ बनती है, वेस्ट बंगाल में बनती है, और जिस जगह पे बनती है उस जगह पे सुंदरबन इसका जगह का नाम है, जो एक घना जंगल है वहीं उसी जंगल में ये डेल्टा बनाती है, ओके। कौन सी दो नदी मिलके, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा नदी। चलिए नेक्स्ट है द हाईएस्ट सिटी, द हाईएस्ट सिटी, तो हाईएस्ट सिटी कौन सा है आपका, हाईएस्ट सिटी है चाइना में है, वैंगसुंग जो चाइना में है वो हाईएस्ट सिटी है। द लॉन्गेस्ट शिप कैनल कौन सा है, सूरज कैनल, ओके। द लार्जेस्ट कंट्री इन पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, तो चाइना। द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहाँ लोकतांत्रिक हो, तो वर्ल्ड में ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा लोकतांत्रिक लोग रहते हैं, तो वो क्या है आपका, इंडिया, ओके। द लार्जेस्ट आइसलैंड, तो वो क्या होता है आपका, ग्रीनलैंड। और द क्या दिया है, द लॉन्गेस्ट रिवर, देखिए अभी मैंने बताया भी था, द लॉन्गेस्ट रिवर इज नील नदी एंड द स्पेलिंग इज NILE, ओके। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, तो ये फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, देखिए दो है, एक इस लेक बाइकल कहलाता है जो फ्रेश वाटर लेक है आपका, ओके। चलिए नेक्स्ट है द सिटी विथ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, मतलब एक ऐसी सिटी जो सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, तो क्या है, हांगकांग, ओके। और द लास्ट है द लॉन्गेस्ट हाईवे, तो ये कौन सा हाईवे है, पैन अमेरिकन हाईवे, ये क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है, ओके। अगर आप पेज नंबर 33 में देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस वहाँ आपको मिल जाएंगे, और उसी के नीचे कुछ और ऐसी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे कोल्डेस्ट प्लेस, हॉटेस्ट प्लेस, वेदर प्लेस, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, ये याद कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए, ओके। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, ओके। और
नेक्स्ट टॉपिक क्या है अभी आपका? तो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? मॉडर्न मनी। मतलब मॉडर्न मनी का मतलब मनी मतलब पैसा और मॉडर्न मतलब अभी के समय पे। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पहले हम लोग कुछ समझ लेते हैं। क्या देखिए, पहले के समय में पैसा, पहले जब पैसे का आविष्कार नहीं हुआ था तो उस समय हम लोग क्या करते थे, सामान के बदले सामान लेना और लेते थे और उस दे देते थे। जैसे अनाज कुछ लिए और उसी व्यक्ति को कुछ अनाज दे दिए उसके बदले में। जब पैसा नहीं था तब हम लोग ऐसा ही करते थे और इसी को हम लोग कहते थे बाटर सिस्टम। ओके, फिर कुछ समय के बाद में क्या एक मुद्रा टाइप की चलने लगी। अशोक के समय पे उसने एक मुद्रा बनाया, मतलब एक क्या है, चांदी का सिक्का। फिर हम लोगों ने क्या किया, जब कोई सामान लेते तो सिक्के का यूज़ करते, कुछ सिक्का देते और फिर रख लेते। फिर धीरे धीरे करके सिक्का मतलब चांदी का बना, सोने का बना, फिर धीरे धीरे किसका ताम और भी कई का बना। फिर आज का जो समय आ गया धीरे धीरे करके, ये एक कागज़ के ऊपर हम लोगों ने उसको बनाया। ठीक, फिर अभी हम लोग क्या करते हैं, एक एटीएम कार्ड लेके ले लेते हैं, ठीक है, अब उससे भी पेमेंट करते हैं। तो ये जो था जनरेशन, मतलब पैसे को कैसे मतलब क्या कहते हैं, पहले समय पे कैसे हम लोग काम करते थे और अभी के समय पे हम लोग कैसे काम करते हैं पैसे का। ठीक है, तो ये जो चेंजेस आया है इसी को कहते हैं मॉडर्न मनी। ओके, देखिए पहले हम लोग कॉइन वगैरह यूज़ करते थे, है कि नहीं, और फिर उसके बाद में हम लोग पेपर मनी यूज़ करने लगे, फिर गोल्ड एंड सिल्वर, प्लास्टिक मनीज। ओके, देखिए इसी पे आधारित आपका ये देखिए क्या है हमारे पास में, और इसी तरीके से ज़रूरी नहीं कि हमारा ही देश, पूरे वर्ल्ड में चलता है यही सिस्टम, पैसे लेके और सामान खरीदना। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं जो कि आपको ये बता रहा है कि इंडिया में ऐसे नोट चलते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही नोट चलते हैं, ठीक, ये हर जगह चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्या मॉडर्न मनी में, एक देखिए पेज नंबर 34 पे एक आपको दिया होगा एक्सरसाइज, ठीक है, ये मैच द फॉलोइंग इसमें दिया हुआ है। तो पहला है बाटर सिस्टम। ओके, मैंने पहले ही बताया था, पेमेंट ऑफ गुड्स इन काइंड बिफोर द यूज़ ऑफ करेंसी, मतलब पैसा देने से पहले हम लोग ये क्या करते थे, पेमेंट किसी चीज़ का करते थे, किस में, पैसे में ना करके किसी काइंड, काइंड का या गुड्स का मतलब होता है कोई सामान दे के करना, उसको कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है पेपर मनी। ओके, तो पेपर मनी मतलब क्या होता है, करेंसी जो अभी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, यही हो गया आपका क्या पेपर मनी। ओके, चलिए नेक्स्ट है गोल्ड एंड सिल्वर बार। तो ये देखिए एक्चुअल में होता क्या था, वैल्यू ऑफ गोल्ड इज ओल्डर टाइम, मतलब गोल्ड का पहले के समय पे जो वैल्यू होता था, हम सामान लेते थे तो उसके बदले में उतना सारा गोल्ड हम उसको दे देते थे, तो ये आपका कहलाता था क्या गोल्ड एंड सिल्वर का ट्रांजेक्शन उसके ज़रिए करते थे। अब फिर आया मेटल कॉइन। मेटल कॉइन का मतलब क्या हो गया आपका, लिटिल मनी, मतलब छोटी छोटी मनी, जैसे 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, पहले के समय पे 10 पैसा, 5 पैसा, 25 पैसा ऐसा चलता था। ओके, और 100 पैसा का 1 रुपये हो जाता था। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका दिया हुआ है क्या बैंक कार्ड। ओके, बैंक कार्ड का मतलब होता है प्लास्टिक मनी, जिसे आज भी हम लोग एटीएम वगैरह कहते हैं। क्यों प्लास्टिक मनी कहते हैं, वो एटीएम पैसा नहीं होता है लेकिन उसके ज़रिए हम पैसे को निकाल सकते हैं, किसी को भी पैसा भेज सकते हैं, तो इसीलिए वो क्या कहलाता है, प्लास्टिक मनी कहलाता है या बैंक कार्ड कहलाता है, सेम है। ओके, और लास्ट क्या है सॉल्ट एंड कैटल। इसका मतलब क्या है, सम टाइम यूज एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रेड ऑफ ओल्डन डे, मतलब कभी कभी हम लोग
पहले के समय के जैसा यूज़ कर लेते हैं कि ये नहीं है इसके बदले में ये, मतलब ये अभी अक्सर देखा नहीं जाता लेकिन हो जाता है कभी कभी। ओके चलिए नेक्स्ट क्या है आपका टॉपिक, दैट इज कंट्री एंड करेंसी। तो देखिए जरूरी अभी जो हम लोग ने पढ़ा पैसे को लेके, ठीक है, तो ये इंडिया में ही ऐसा होता है क्या? आपको लगता है कि इंडिया में ऐसा होता है? नहीं, ये कुछ ऐसे जो ये दिए हुए हैं, ठीक है, स्क्रीन पे जो ये दिखाई दे रहा है ये बाहर की कंट्री का पैसा है, ठीक है, ये 500 रुपए का है, ये देखिए कनाडा का ये 100 रुपीज़, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कहाँ का, पढ़िए मालूम चल जाएगा, ये वही 50 रुपए का नोट है किसी दूसरे कंट्री का, और ये सिंगापुर का दिया हुआ है 2 रुपए का नोट, ऐसा होता है, ठीक। तो हर एक देश अपने देश में क्या करता है, कंट्री अपने देश में ये बनाता है और इसे यूज़ करता है। ये कुछ ऐसी कंट्री के नाम हैं जिसे पेज नंबर 35 से लिया गया है, आप उसमें देखिएगा और भी आपको मिल जाएंगे, जो कंट्री है उसकी कैपिटल और उस जगह पे कौन सी रुपीज़ चलती है। इंडिया में इंडिया की कैपिटल दिल्ली है और यहाँ पे कौन सी चलती है करेंसी, तो रुपीस में चलती है। वैसे ही पाकिस्तान में पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद और कौन सी रुपीस चलती है, तो वहाँ पाकिस्तानी रुपीस चलती है। वैसे ही रशिया का मॉस्को उसका कंट्री का नाम है और रूबल इज वहाँ की कंट्री की क्या है, वो उस जगह पे वो उस रुपये चलती है, उस जगह की करेंसी को कहते हैं रूबल। ओके आप इसे पढ़ लीजिएगा, मेरे ख्याल से समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब नेक्स्ट है डे टू रिमेंबर। ओके डे टू रिमेंबर का मतलब होता है कि वो दिन जिसे हम याद रखते हैं, और क्यों याद रखते हैं, सो देयर आर मेनी डेज दैट वी आर सेलिब्रेट इन ऑल द कंट्रीज, सच डे आर नोन एज द इंटरनेशनल डे, दे ब्लाइंड अस ऑल द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड टुगेदर, द यूनाइट अस एंड प्रमोट द फीलिंग ऑफ क्लोजनेस, रीड अबाउट इम्पॉर्टेंट डेट एंड द वर्ल्ड हिस्टोरिक एज दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द कंट्रीज एंड हैव लेफ्ट टू मार्क ऑन द वर्ल्ड अफेयर। ओके ये देखिए कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट दिए हुए हैं डेट्स, और इसे क्यों याद रखा जाता है, क्यों इसे रिमाइंड किया जाता है, ये यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। जैसे अर्थ डे हम लोग मनाते हैं 22 अप्रैल को, ओके ऐसे ही वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम लोग कब मनाते हैं, सो ये ध्यान रखिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम लोग मनाते हैं 5 जुलाई को। ऐसा इसलिए कि एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है आज के समय में। ओके अगर हम इसका ध्यान नहीं रखें तो कुछ ही समय के बाद में ये ख़त्म हो जाएगा। ओके सो इसी के अवेयरनेस के लिए, किसी भी अवेयरनेस के लिए हम उस डे को सेलिब्रेट करते हैं, उसके बारे में डिटेल में जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सो ये पेज नंबर 36 पे दिया है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डे टू रिमेंबर। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कंटिनेंट। ओके सो व्हाट इज कंटिनेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड व्हाट इज कंटिनेंट। सो स्टूडेंट अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ, अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस आर कवर्ड विथ बिग वाटर बॉडीज कॉल्ड सीज एंड ओशियंस, द रेस्ट ऑफ 1/3 पार्ट इज लैंड डिवाइडेड इन टू द कॉन्टिनेंट। ओके एंड द वर्ल्ड कॉन्टिनेंट आर ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड डैट मीन्स कंटिन्यूस मास ऑफ लैंड। ओके मतलब पीस ऑफ लैंड को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट कहते हैं। ओके यू हैव टू रिमेंबर दैट देयर आर 7 कॉन्टिनेंट। ओके एंड द नेम ऑफ दैट कॉन्टिनेंट इज इन द पिक्चर, दैट इज नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप,
Africa, Asia, Australia and Antarctica. Okay, these are the seven name of continent. Okay, one exercise given in your page number 37, that is the name Eurasia is made by joining the name of two continent. What your guess is? It means ki the name of Eurasia is made by adding two words. You have to identify which two word is that. The answer is first one is Europe and the second one is Asia. Okay, with the help of these two words, the Eurasia is made. Okay, so a student, in this way I complete the chapter 4. Okay, and the time to take your homework. The first is do all the exercise in your notebook. You have to complete all the exercise in your notebook. Okay, and also some important point, those I have tell them that is important, so you have also write that points in your notebook. The second, write seven continent name in your book or in your notebook and learn them. Okay, and this is extra work for you, that is learn the page number 32, 35 and 36. Okay, and learn all the exercise of this chapter. So I hope you understand the chapter. Okay, I hope you understand the topic of this chapter. And if you have any confusion or if you have any doubt, then you can ask a question in a group so that I will clear your point. And listen carefully, this chapter is most important in coming exam. Okay, thank you, have a nice day and take care.